जैसे हम फोन यूज कर रहे थे, ठीक है, उसके जी हाँ, बाद फोन यूज करते करते एक ही पैक ऑफ हो गया। तो अच्छा फिर मैंने लोकल शॉप पे दिखाया, क्योंकि मेरा फोन आउट ऑफ वारंटी हो गया था, जी, तो मैंने लोकल शॉप पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं बन पाएगा, मेरे बस का नहीं है। तो अच्छा फिर मैंने सर्विस सेंटर पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर वालों ने बोला बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। कितना हाँ, खर्चा बताया था सर चौदह उन्होंने? हजार रुपये 14,000 रुपये। फिर आप उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको हमेशा देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपको कुरियर किया। हालांकि बहुत दूर था, अच्छा लेकिन फिर भी मैंने कुरियर किया, और कुरियर करके मैं देखा आपकी वीडियोस की, बहुत सारे बिहार से भी गए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, जी हाँ तो जी मैंने हाँ आपसे बात की, आपसे कुरियर किया, फिर मेरा फोन जाके। बहुत बहुत सारा थैंक यू। और आपको हमेशा फॉलो करते हैं, हम देखते हैं भी, आपकी वीडियोज बहुत अच्छी रहती हैं और आप चलिए शॉर्ट आउट ठीक भी है। बहुत अच्छे तरीके से करते हो और बहुत कम रुपए में करते हो। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही पार्सल आज हमारे पास आया है ब्लू डॉट से। तो अभी हम इसे फटाफट ओपन करके चेक करते हैं कि कस्टमर ने क्या भेजा है। जब इन्होंने इनसे हमने बात की फ़ोन पे, ये कहने लगे कि मैंने इसके अंदर भेजा है रियलमी GT मास्टर और ये फ़ोन में प्रॉब्लम दे रहा है कि ये सेट जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम इसे फटाफट मदरबोर्ड ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है हमारा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 5G 6 नैनोमीटर पे बेस है। तो अभी हम इसे अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर लेंगे, शील्ड काट भी सकते हैं हम, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। हमने काट के देखा लेकिन ये थोड़ी तकलीफ दे रही है, तो हम ये शील्ड निकाल लेंगे और शील्ड निकालने के बाद ये पता करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम कहाँ से है, कोई चीज़ नीचे IC में कंपोनेंट कुछ हाफ शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। तो अभी हम जब इसे ओपन कर रहे थे शील्ड, तो एकदम आराम से ओपन करना है, जो हमारी ट्रैक है वो ख़राब ना हो इंटरनल। तो देख लीजिए एकदम आराम से धीरे धीरे निकालना है, कोई घाई नहीं करनी है। अगर आपने घाई की तो आपकी ट्रैक जो है वो टूट भी सकती है, ठीक है। तो ये निकल चुकी है हमारी शील्ड। तो अभी हम जो है इसका CPU का जो ग्लू है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे पूरा, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये फ़ोन जो है किस तरीके से CPU उसका कटिंग करके बाहर निकाला जाता है। तो अभी हम जो ग्लू है वो चारों तरफ से अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। और जब मैं इसका ग्लू निकाल रहा था, ग्लू निकालने में बहुत हार्ड था ये प्रोसेसर। तो अभी हम जो है इसका जो है साइड से हम टेप लगा देंगे, हीट सिंक टेप। बाजू में चार्जिंग पावर है उसको भी लगा देंगे और दोनों तरफ से हम टेप लगा देंगे कि जो बाकी ICs हैं वो ड्राई ना हो, जैसे हो गई हार्ड डिस्क हो गई, जैसे हो गई वो ड्राई ना हो। तो अभी हम जो प्रोसेसर है वो उतारेंगे धीरे धीरे हीट करके, और हमारी गन की हीट है अभी 390 डिग्री पे हीट है। तो अभी हम धीरे धीरे हीट मारना है और आराम से धीरे धीरे प्रोसेसर निकालना है। तो देख लीजिए जो प्रोसेसर है वो निकल चुका है और हमें कुछ ट्रैकें भी डैमेज हुई हुई दिख रही है, वो तो बहरहाल हम बाद में ट्रैके बना लेंगे। सबसे पहले जो हम हैं जो जिसकी जगह है वो क्लीन करेंगे, NC वाली बहुत सारी ट्रैके टूटी हुई दिख रही है हमें। तो अभी हम जो जगह है वो पूरी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेंगे, कि जगह क्लीन करने के बाद ही हमें समझ आएगा सही तरीके से कि इसके अंदर क्या क्या अभी हमें बनाना बाकी है। तो देख लीजिए इतने सारे अभी यहाँ पे ग्लू लगा है, तो ये भी क्लीन कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। और ग्लू क्लीन करते टाइम एक बात याद रखना है, हमें कहीं दबा के यूज़ नहीं करना है, नहीं तो बाकी की जो ट्रैके कमज़ोर हो चुकी है वो भी टूट के हाथ में आ जाएंगी। एकदम अधर हाथ से हमें इसे करना है, और ये साइड से ग्लू हम स्क्रैपर की मदद से, साइड से जो ग्लू है हमारे टूल की मदद से वो निकाल लेंगे साइड का ग्लू। तो देख लीजिए अभी हम एक बार और डीसोल्डिंग वायर की मदद से इसे क्लीन करेंगे, कि पूरा ही डीसोल्डिंग जो वायर है हमारा, जो जितना भी शोल्डर एक्स्ट्रा का लगा हुआ है वो निकल जाए। तो देख लीजिए ये क्लीन हो चुका है अभी जो हमारा मदरबोर्ड है अच्छी तरीके से। अभी हम एक बार और इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे हमारा क्या क्या नुकसान हुआ है। ये ट्रैके ड्राई है और यहाँ पे जो है इसकी NC वाली सभी ट्रैके ओपन है और हमें दिख रही है, और दो तीन ट्रैके वो भी हम देख लेंगे कहाँ कहाँ की टूटी हुई, जब भी हमने फर्स्ट टाइम पे देखा था ट्रैके टूटी थी। तो देख लीजिए यहाँ पे तो NC है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और यहाँ की जो दिख रही है आपको ट्रैके ये भी NC वाली है। तो अभी हम जो प्रोसेसर है वो क्लीन कर लेंगे, जंपरिंग का बात काम जो है आखिरी में करेंगे, और प्रोसेसर को भी अच्छी तरीके से हमें ग्लू जो है वो क्लीन कर लेना है। तो देख लीजिए जो प्रोसेसर का ग्लू है हमें अच्छी तरीके से निकाल लेना है, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है टूल की मदद से। इसके बाद हम जो डिसोल्डिंग वायर से है उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए, जो हमारे फ़ोन का रिज़ल्ट है
आपको बहुत जल्द मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी लगा के इसलिए कर रहे हैं, जो कार्बन वाले पॉइंट होंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जितने हुए तो हुए ठीक है, नहीं तो वरना हम कटोरी से कटोरी में डाल के थिनर डाल के इसको अच्छी तरीके से जो है इसका कार्बन निकाल देंगे। तो देख लीजिए, आप भी इस तरीके से एक छोटी सी कटोरी बना लीजिए और तार की ब्रश से आप इसको साफ़ कर लिया करें। तो देख लीजिए, जो पूरा कार्बन है वो पूरा निकल गया। तो अभी हम जो साइड के जो ग्लू है वो भी साफ़ कर लेंगे, इसके बाद अब हम इसे रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करते टाइम भी हमें आराम से रिवॉल्व करना है, कोई घाई नहीं करनी है, बॉल इक्वल बनाने हैं, एक जैसे बनाने हैं, एक बार में नहीं बने तो दो तीन बार बनाने हैं, लेकिन अच्छी तरीके से बनाने हैं। तो अभी हम स्टेंसिल ढूंढ लेते हैं इसकी जब तक के, और अभी हम इसको रिवॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, जो हमारा प्रोसेसर है वो रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। तो अभी हमें पीपीडी लगाना है और एकदम आराम से इसके अंदर भरना है, कि अगर हमने ताकत लगाया ज़रा सी भी ज़्यादा तो बॉल जो है बड़े छोटे बनते हैं, ठीक है। बड़े छोटे का मीन्स ये है, कहीं बीच में पीपीडी ज़्यादा हो जाता है तो बॉल बहुत बड़े बन जाते हैं, हमें बॉल इक्वल एक जैसे चाहिए। उसके लिए हम दो से तीन बार इसे कटिंग कर लेंगे और अच्छी तरीके से पीपीडी फिल करके दोबारा हम इसे दो से तीन बार अच्छी तरीके से बॉल बना लेंगे। तो देख लीजिए, अभी बॉल बन रहे हैं हमारे। तो देख लीजिए, एक बार और हमने फिल किया तो ये बॉल एक नंबर बन चुके हैं हमारे। एक बार और हम देख लेंगे कि कुछ हमारी कमी तो नहीं है, थोड़ा हम पेस्ट डाल के भी इसे हिट मार लेंगे। इससे ये होता है, जो बॉल जगह पे बैठते नहीं है वो जगह पे बैठ जाते हैं। और इसके अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ये सीपीयू में ज़्यादातर बॉल है, और बाकी जितने भी सीपीयू बनाते थे हम इससे पहले तो इसमें इतने बॉल नहीं रहते थे, इसमें बहुत ज़्यादा बॉल है। तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरीके से बनाना ज़रूरी है कि बॉल एक भी छोटे बड़े ना रहे, वरना हमारा एक भी बॉल कनेक्ट नहीं होगा तो फ़ोन में कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अच्छी तरीके से हमारे बॉल बन चुके हैं। अब बारी आती है हमारे मदरबोर्ड की। तो देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रैकें टूटी है। यहाँ पे दो ट्रैक टूटी हुई है हमारी मेन, बाकी कोई ट्रैक टूटी हुई नहीं है, बाकी सब एनसील टूटी हुई है। तो अभी हम जो है इसे अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये जो हमें अभी पीपीडी लगा के इसके अंदर, तो जंपर से जंपर वायर लगा के हम इसमें यहाँ पे जलेबी बना देंगे। जलेबी का मतलब ये है, जंपर को वहीं के वहीं गोल घूम लेंगे, तो उससे ये होगा जो हमारे जो बॉल जो कनेक्ट नहीं हो रहे थे वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो देख लीजिए, एक जंपर लग चुका है हमारा, अब दूसरा जंपर लगा देंगे हम। और ये जंपर का काम एकदम आराम से करना है, कोई घाई वाला काम नहीं है, इसमें इतनी सी भी ताकत नहीं लगती है, पेशेंस का काम है, क्योंकि ये पेशेंस से ही करना पड़ता है। आप बोलेंगे एकदम मैं अर्जेंट में बना लूँ, तो ऐसा नहीं होता है, एकदम आराम से काम करना है हमें। तो देख लीजिए, जो हमारी तो ट्रैकिंग की जंपर है वो लग चुकी है। तो अभी हम इसको वहीं के वहीं गोल गोल राउंड में घुमाना है, यहाँ पर भी पेशेंस लगता है, एकदम घाई से काम नहीं होता है। और अगर मैं वीडियो में इसको फास्ट कर दूँ तो ऐसा लगेगा आपको एकदम ईजी है करके, जबकि मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, थोड़ा ही फास्ट किया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो देख लीजिए, जो अभी दूसरा जंपर है ये हमको अभी लगाना बचा है, तो ये दूसरा जंपर अभी हम लगाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर देखो, ये जंपर टूट गया, तो अभी हम फिर से इसके अंदर जंपर जोड़ेंगे। तो देख लीजिए, तो जंपर टूट जाए तो टेंशन नहीं लेना है, फिर से हमें जंपर मार देना है। तो ये जंपर लग चुका है हमारा फिर से, तो अभी हम इसे जगह अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, जंपर काटेंगे, फिर इसके बाद वहीं के वहीं राउंड मार देंगे। तो ये जंपर निकल जाता है तो उसके इतनी टेंशन वाली बात नहीं, हम दोबारा वहाँ पे फिर से जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यूवी ग्लू मार देंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से, और कस्टमर की जुबानी अब सुनिए अब बाकी की बातें। उसे बताइए कि आपके फ़ोन में कैसे कैसे प्रॉब्लम आई थी। जैसे हम फोन यूज कर रहे थे, ठीक है जी, हाँ, उसके बाद फोन यूज करते करते एक ही पैक ऑफ हो गया, यानी ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है फोन। हाँ, ऑफ हो गया फोन, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको चार्ज में लगाया, ऑन किया, ऑन नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैंने लोकल शॉप पे दिखाया, क्योंकि मेरा फोन आउट ऑफ वारंटी हो गया था जी। तो मैंने लोकल शॉप पे दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं बन पाएगा, मेरे बस का नहीं है। अच्छा, फिर मैंने सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने बोला कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सर्विस सेंटर वालों ने बोला बोर्ड चेंज करना पड़ेगा, कितना खर्चा बताया था सर? 14,000 रुपए। फिर आप उसके बाद, उसके बाद फिर मैंने आपको इंस्टाग्राम पे, मैंने आपको हमेशा देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपको कुरियर किया, हालांकि बहुत दूर था। अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने कुरियर किया, और कुरियर करके मैं देखा आपकी वीडियोस की, बहुत सारे बिहार से भी गए हुए, यूपी से, बिहार से, तो मैंने आपसे बात की, आपसे कुरियर किया, फिर मेरा फोन जाके ठीक। तो फोन अभी पूरा ठीक हो गया आपका? जी जी जी। सर और कुछ कहना चाहेंगे हमारे नए व्यूअर से आप? और
बिल्कुल आप पे पूरा भरोसा किया जा सकता है। हालांकि आप ना आपसे मिले ना आपको देखे, लेकिन बात से ही आपने पूरा चीज सॉर्ट आउट कर दिया है। इसलिए मतलब बहुत बहुत सारा थैंक यू, और आपको हमेशा फॉलो करते हैं, हम देखते हैं भी आपकी वीडियोस बहुत अच्छी रहती हैं, और आप सॉर्ट आउट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो और बहुत कम रुपए में करते हो। चलिए ठीक है भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, थैंक यू। तो देख लीजिए गाइस, जो प्रोसेसर है वो लग चुका है हमारा। अब देखते हैं फोन हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये देख लीजिए फोन ऑन नहीं हो पा रहा है, तो एक बार हम और अच्छी तरीके से देख लेना है। फोन ऑन नहीं हो रहा है, शायद ऑन ऑफ की का जो प्रेस है पॉइंट वो बराबर हो नहीं रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है, बैटरी भी डाउन हो सकती है। तभी हमने चार्जिंग पे लगा के जैसे ऑन किए, जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। शायद पावर कम पड़ रही होंगी, इसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।